मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब प्रमोशनल वीडियो में, जहाँ आप सीखते हैं बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री करना। आइए, हम पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम आएंगे पेमेंट रजिस्टर पर, जिसे आप कंट्रोल एफ प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बताऊंगी, जो कि हमारा कंपनी है यूनिवर्सल इंटरप्राइजेस। तो यूनिवर्सल इंटरप्राइजेस में मोहन लिमिटेड, जो कि हमारा सेंड्री कैटर्स है, जिसको पेमेंट मिला है कैनरा बैंक से 30,000 रुपया। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो मोहन लिमिटेड पाने वाला है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल कहता है अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला हमारा कैनरा बैंक है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। भाई, हम डेबिट में हमें मोहन की एक लेजर क्रिएट करनी होगी, मोहन लिमिटेड। ये हमारा सन्ड्री केटर्स है, बाद बाकी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो ले रहा है कितना? 30,000। क्रेडिटर्स हमारा कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक की भी हमें लेजर क्रिएट करनी होगी। जो कि हमारा अंडर आएगा बैंक में, जो इसकी डिटेल्स वगैरह होगी, बैंक अकाउंट वगैरह की, आप वो दे करके इसे एक्सेप्ट कर ले। और इसे एक्सेप्ट करके आप वापस एस्केप की से बाहर जाए, आप अल्टरेशन में, क्योंकि कैनरा बैंक में आप पेमेंट डालेंगे तभी तो आपकी कैनरा बैंक की जो है वो अमाउंट कटेगा। अल्टरेशन में हम आके डायरेक्ट यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम अमाउंट डाल देते हैं, देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वापिस हम स्केप की से बाहर आएंगे, हमने जो एंट्री की थी उस पे आएंगे। तो हमने जो एंट्री की मोहन की, अब ये हमारा यहाँ से जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो मैं एंट्री की थी उसमें अमाउंट क्रेडिट दिखा रहा था, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था। इसीलिए किसी भी बैंक में या कैश आप दे रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप, अगर चेक दे रहे हैं तो चेक की डिटेल्स वगैरह सब डाल के आप इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लें। नरेशन आप लिख सकते हैं, पेमेंट गिफ्ट टू मोहन लिमिटेड, देन आप इस टू कैनरा कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। वापिस हम दूसरी एंट्री करते हैं डी एफ लिमिटेड की, जिसकी हमें क्रिएशन पे जाके क्रिएट करनी होगी, डी एफ लिमिटेड। ये हमारा सिंडिकेटर्स है, हम सिलेक्ट कर लेंगे लेजर टाइप, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर। अब इसका जो अमाउंट है वो है, हेलो 9 टाइम्स, सॉरी, एंड देन हम इसका अमाउंट दे देंगे। जो अमाउंट होगा, अगर आप वाउचर नंबर यहाँ पेमेंट का चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप कितने नंबर की एंट्री कर रहे हैं। इसे हम दे रहे हैं 21,000, और इसे मिल जो रहा है अमाउंट वो कैश में मिल रहा है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैश, कैश हमारा ऑलरेडी है तो वो यहाँ पे डेबिट बता रहा है, रेड रेड लाइट रेड सिंबल नहीं दिया, एंड हम इसे लिख देंगे पेमेंट
नरेशन में पेमेंट पेड टू DEFL गैस टू, देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल एस। फ्रेंड्स आपने सीखा किस तरह से हम किसी भी कस्टमर को पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी वर्कर को किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं कैश से और अदर बैंक से, और उसकी लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो हमने अभी एंट्री की उसे देखने के लिए हम आएंगे डे बुक पे, और डे बुक पे हम देख सकते हैं कि हमारे एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 जो कि पेमेंट की हुई है मोहन लिमिटेड की, मोहन लिमिटेड की और DFL लिमिटेड की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे कंप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए आप हमारे आईपीटी एक्सेल स्कूल की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और वहां से आपको मिलता है कंप्लीट टैली प्राइम की बेसिक टू एडवांस वीडियोज का, और दूसरा कंप्लीट बीबीए कोर्स की वीडियोज, एंड तीसरा एक्सेल विथ माइक्रोसॉफ्ट की वीडियोज, और चौथा आपको मिलता है 1-to-1 लाइव क्लास जिसे कि आप कैसे ज्वाइन करें कॉन्टेक्ट करें उसकी वीडियोज, और पांचवा आपको मिलता है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूले की वीडियोज। तो मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप आईपीटी एक्सेल स्कूल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने मनपसंद कोर्सेज को वहां से परचेज करके पूरी डिटेल्स आप उसकी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।